किसका क्या उद्देश्य है? देखिए, मैंने ये सामाजिक परिवर्तन दर्द इसलिए निकाला है, सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए और इस समय पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों से लेकर के किसी भी वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया। जितने भी वादे किए थे सब वादे इनके टूटे निकले। तो हमें सत्ता का परिवर्तन करना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाना है। अच्छा, ये सुना जा रहा है कि 22 तारीख में सब एक हो जाएंगे, क्या ऐसा है कुछ फिर पार्टी को बने? देखिए, हमने तो बहुत पहले समान विचारधारा वाली पार्टियों से, सेकुलर पार्टियों से प्रयास किया है एक हो जाए आनंद, और हमने समाजवादी पार्टी से भी हमने प्रयास किया है कि हमारे जो अलायंस करें, गठबंधन करें, उसमें शामिल हो। शिवपाल जी, ओवैसी ने कहा है कि आपसे बातचीत चल रही है, क्या कहना है इस पर आपका? क्या ओवैसी कहा कि आपकी हमारी बातचीत चल रही है, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, मैंने सभी पार्टियों से कहा और मुझे एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से भी समझौता करना है, छोटी छोटी पार्टियों से भी करना है, एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से भी अलायंस करके इसलिए इससे जब हम गठबंधन कर लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में आसानी होगी। अगर सपा से आपका गठबंधन होता है तो ओवैसी और रावण के साथ रहेंगे आप? हम तो सबको साथ है। मैंने कहा कि समान विचारधारा सेकुलर पार्टियां जितनी भी है, ज्यादा से ज्यादा हम चाहते हैं कि सब एक हो। राजभर ने कहा था कि शिवपाल ओवैसी और रावण के कहने पर मैंने बातचीत की है, क्या कहना है इस पर आपका? हमसे कोई बातचीत नहीं। क्या आपकी ओवैसी और रावण को अपने साथ लेकर सपा में जा सकेंगे? अब जब बातचीत होगी तो आपको पता चलेगा। ठीक है।